हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग आयुर्वेद शारदा नगर कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवीएन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग का गुजरात कैंप लास्ट है, फिनिश होने को आ गया है, तो इसी में कुछ पेशेंट्स अब यहाँ से विदा हो रहे हैं। उसी सीरीज में एक पेशेंट है हमारे पास, आपका नाम? वैभव शिंदे। वैभव शिंदे ये महाराष्ट्र से आए थे, इनको भी एवीएन की प्रॉब्लम थी, तो जानते हैं इनको कैसे मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और आज ये कैसा फील है। तो वैभव जी बताइए अपना एक्सपीरियंस। सर मैं कोविड था मुझे, तो कोविड में 10-12 दिन में एडमिट था, तो उसकी वजह से मुझे कोविड एवीएन हुआ। मुझे पता नहीं चला, मुझे अभी इस महीने 15 तारीख को ही पता चला। तो राइट साइड में थर्ड ग्रेड था और लेफ्ट में सेकंड ग्रेड था। तो मैं अभी ट्रीटमेंट उधर चल रहा था मेरा, मतलब मैं सोच रहा था अभी क्या करूँ, तो ऑर्थोपेडिक के पास गया, तो उन्होंने बोला कि उसको ऑपरेट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो फिर एक मेरा दोस्त है, उनका दोस्त एक डॉक्टर है, तो उन्होंने मुझे आपका नाम बताया। तो मैंने आपको फ़ोन किया, आपने बोला कि यहाँ हमारा कैंप चल रहा है, तो मैंने तुरंत ही आपके पास आना हुआ। तो मेरा जो लिम्पिंग था वो बहुत ज़्यादा था, अभी लिम्पिंग कम है और पेन में भी मुझे 30-40 तक अभी रिलीफ है विद इन फोर डेज में। ओके, तो घर जाके एक्सरसाइज करूँगा और बाकी आपके टैबलेट दिए वो, तो उसके बाद और रिलीफ मिल सकता है। ठीक है। तो अच्छा, रात को सोने में दर्द और ये सब चीज़ें भी कैसी हैं? और दर्द था, मतलब मुझे ये जो पैर है, अगर मैं इस साइड में होना था तो इसको मुझे उठा के इस साइड में करना पड़ता था। तो भी और जैसे मैं ज़्यादा दिन तक बैठा हूँ, उठने के बाद मुझे चलने में दिक्कत होती है। तो अभी वैसा नहीं है, अभी मैं उठ सकता हूँ, ये पैर भी उठता नहीं था, अच्छा। पैर भी उठता है और चल सकता हूँ मैं भी अच्छे से, मतलब लिम्पिंग कम हो गई है और दर्द में भी है 30-40 तक। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि यहाँ से एक आराम की यानी रिलैक्स मिलने की शुरुआत हो जाती है। ट्रीटमेंट अभी कंटिन्यू रहता है, इसका ट्रीटमेंट लगभग एक साल तक चलता है। ग्रेजुअली बोन अपना शेप चेंज करती है या हील करना स्टार्ट कर देती है, और करते करते जो है उस पेशेंट की कंडीशन और बेटर होती चली जाती है। ये ना समझे कि 6-7 दिन का ट्रीटमेंट है, हाँ ये है कि ये इसमें थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है पेशेंट को और बोन जो है हील करना स्टार्ट कर देती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी लोग हमारे इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। टिल देन, बाय बाय।